तो भाई स्वागत है आपका मेरे को नए व्लॉग में। गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:45 के आसपास और आज का सीन कुछ ऐसा है कि शाम को शादी में है एक लड़के की, तो वहाँ मैं जा सकता हूँ। मैं मम्मी पापा को ही बोल रहा हूँ कि तुम भी चलो, ठीक है। मेरा दोस्त है, बहुत पुराना है, बस टेंशन इस बात की है ना, दूर बहुत है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, खर्चा वगैरह होगा 5-6 हज़ार रुपये का, मैं दे दूँगा। मम्मी कह रही है बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। इतना पुराना दोस्त है मेरा, वो आई थिंक रोज आना है जाना है, कहाँ इसके घर में जा रहा है, कहाँ वो इसके घर में आ रहा है। कितनी बढ़िया दोस्ती है कि रोज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इतनी मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है उसका, बताओ। वो मेरे साथ ना पढ़ता था ग्रीनफील्ड स्कूल में, अब से लगभग 12-13 साल पहले। हम ना 7 से 10 तक पढ़े हैं साथ में और 2012 तक पढ़े हैं, 2008 से 2012 तक, 14 साल हो गए। 14 साल से भाई दोस्त है, तो जाना तो बनता है ना। बस पकड़ जहाँ से बस जाती हो, ट्रेन भी जाती होगी मेरे ख्याल से, ट्रेन से जा सबसे बढ़िया। उसने विद फैमिली बोला भाई, विद फैमिली माँ बाप बहुत मिलेंगे रास्ते में, उन्हें बनानी है किसी को भी। मैं शादी के लिए माँ बाप बनाता फिर, अब और क्या। कह रहा है मैं तो नहीं जाऊंगी इतनी दूर, मैं तो पागल हूँ, इतना दूर शादी में जाऊंगी। बड़े लड़का है वो, कभी उसे बुलाओ ना तो वो ऐसे आ जाता है, वो नहीं करता ये सब चीज़ें। वो तो करके देखे शादी में दूर, देखो कौन आया। तो मैं जबरदस्ती क्यों करूँ शादी भाई, वो तो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब गर्लफ्रेंड कहीं की भी हो, यहाँ की हो, पाकिस्तान की हो, तो भाई आदमी करता है। लेकिन अब क्या जाएगा, उसकी तो गर्लफ्रेंड है, तेरा क्या है। मेरा तो मैं दोस्त की वजह से जा रहा हूँ। हमने तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है, तो उसकी ना शादी काफ़ी एक तो दूर है, थोड़ा सा ना खर्चा वगैरह हो जाएगा ज़्यादा, और अभी इस वक्त थोड़ी सी हालत अभी ठीक नहीं है खर्च करने की। तो मैं ही सोच रहा हूँ कि शाम मैं शादी में मतलब उसकी ना जाऊँ। रामपुर है, 200 किलोमीटर एक तरफ से जाना, 200 किलोमीटर आना, और दिन की शादी है, मतलब मुझे इस टाइम तक निकल जाना चाहिए था, क्योंकि अब मैं 11 बजे तक निकलता तो मैं जाके वहाँ पर 3 बजे तक पहुँचता, 4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। फिर 4, 4.5 घंटे आने के भी, मैं 11 बजे तक यहाँ आता। लेकिन क्या है कि अभी मैं वहाँ तो नहीं जा रहा, और मैं उसको बोल दूँगा कि भाई मैं नहीं आ पाया। तो अभी क्या है कि शाम को एक शादी और है, वहाँ जाना है, लेकिन वो पास में है, वो यहाँ गाज़ियाबाद में डासना के पास में है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ जाएंगे। तो अभी का सीन देखते हैं कि क्या है, मेरा दोस्त का फ़ोन आएगा, उससे बात करेंगे। अभी तो मेरा भाई सो रहा है, वो उठेगा तो मैं उससे ही बात करूँगा शाम के बारे में, तो भाई शाम को शादी में चलना है कि नहीं चलना। अगर वो कहता है तो फिर अपना हम तैयारी वैयारी करते हैं, कपड़े वपड़े देखता हूँ मैं क्या पहनता हूँ, बाकी का सीन चलो देखते हैं। पापा, ओ पापा, पापा ये खाना, मैंने खाना रखा है, ये पराठे और दही खा लो, और दही इतनी है तो इसमें ही खा ला, ठीक है ना, कम है थोड़ी दही, तो बाकी लोग भी हैं, उठ जाओ फिर खाओ फटाफट। भाई भी आलू के पराठे खा रहा हूँ, सुबह सुबह बनाए हैं। सुबह सुबह नाश्ते में अगर आलू के पराठे मिल जाए ना तो मतलब बढ़िया नाश्ता हो जाता है, एकदम हैवी। बात तो सही है, मेरे को तो आलू के पराठे बहुत पसंद है, आलू से ज़्यादा मेरे को और कोई पराठे नहीं पसंद। मेरे भाई अभी मेरी बात हुई मेरे दोस्त से, उसका फ़ोन आया था, तो द प्लान इज़ ऑन, हमारा डिसाइड हो गया है कि हम शाम को पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल घर में चल रही है साफ़ सफ़ाई, ठीक है, सर्दियों के कपड़े वगैरह निकाले हैं क्योंकि सर्दियाँ पड़ने लग गई है ना, तो कपड़े वगैरह निकाल कर अलमारी में हम वो शिफ्ट कर रहे हैं। और भाई भाई से भी बात हो गई है, तो वो भी कह रहा है कि हाँ चलो चलते हैं, घर का जैसे काम खत्म हो जाएगा फिर नहा धो के अपना शाम की फिर मैं तैयारी करता हूँ। तो मेरे भाई मैं नहा तो लिया हूँ, ठीक है, अब मुझे होना है रेडी।
उससे पहले मेरे को करनी है पहले गाड़ी तैयार, मतलब गाड़ी गंदी हुई पड़ी है ना, तो उसको पहले साफ़ करना है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ नीचे गाड़ी को साफ़ करने, और मेरी संदीप से भी बात हो गई है लगभग, वो कह रहा है, मैंने उसको बोला मतलब एक घंटे में आ जाएगा ना, तो वो कह रहा है ठीक है मैं एक घंटे में आता हूँ, तो उससे पहले मैं जल्दी जल्दी गाड़ी साफ़ कर लेता हूँ, नहीं तो वो कह रहा था कि यार मैं नीचे ना खड़ा रहूँ, बैल ही ना मारता रहूँ, फिर तुम्हारी गाड़ी भी तुम मतलब साफ़ करोगे टाइम लगेगा, क्योंकि जल्दी से ना टाइम से वापस भी आना है। तो भाई मैं ना अभी दुकान पर आया हूँ, मैं जैसे नीचे उतर रहा था सामने वाली भाभी का सामान मैं लेने आया हूँ, क्योंकि सामने वाली भाभी कह रही कि हमारा दूध भी ला दो, मैं वही लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे, बस ये दूध ला के उनको दे के फटाफट मैं गाड़ी तो साफ़ करता हूँ। भाई अभी ना सीन हो गया था कि मैं जब दूध ले रहा था दुकान पर, तभी इसका व्हाट्सएप आया कि भाई शादी तो आज की नहीं है कल की है, आज इंगेजमेंट है। अब भाई मेरा सारा का सारा ना मूड ख़राब हो गया सुन के, कि मैं नीचे आया हूँ गाड़ी मतलब मैं धो रहा था, ठीक है भाई अब मेरे पीछे देखो तो बाल्टी लगी हुई है, मैं लोगों को बाल्टी में आया था पानी भर के कि मैं गाड़ी को साफ़ करूँगा, और भाई गाड़ी को साफ़ करने में कितनी मेहनत लगती है ना, ये भाई वही जान सकते हैं जो गाड़ी को करते होंगे साफ़ हैं, मेरे को तो दो तीन घंटे लग जाते जब मैं इसको एक बार मैंने करी थी साफ़ करते हैं ना ठीक से। अब फिर उसका दोबारा मैसेज आया कि भाई मेरे पापा मजाक कर रहे थे हैं आज की है शादी, ढोल वोल बज रहे हैं, तो अब मैं आऊँ फटाफट जल्दी जल्दी से ना मैं गाड़ी साफ़ करता हूँ। फाइनली गाड़ी ना साफ़ हो गई है, बहुत देर लगी गाड़ी को साफ़ करने के लिए, और अभी तक वो आधे घंटे के लिए बोला था उसने, अभी तक भी नहीं आया वो, लेकिन मैं जल्दी से तैयार हो जाता, मैं भी नहीं हुआ फट। चलो तैयार हो रहा है, तैयारी है क्या, अभी तो ने कुछ नहीं पहना हमें लग रहा है, चलो भाई जल्दी तैयार हो जाते हैं। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go. तो भाई मैं तो देखो हो गया हूँ रेडी बिल्कुल, वो बार बार मेरे को, मैंने उसको फ़ोन किया वो अभी तक नहीं आया है, दो घंटे हो गए हैं उसको ये बोलते हुए कि भाई अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ, अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं बहुत देर से रेडी हुए घूम रहा हूँ ठीक है, और अभी भी उसको फ़ोन कराया तो बोला नहीं 10 मिनट में आ रहा हूँ, और अभी भी उसको फ़ोन करे हुए मुझे 20 मिनट हो चुके हैं, पहले ही फ़ोन करा था तो आधा घंटा हो चुका था, कह रहा आ रहा हूँ 10 मिनट में, मतलब ऐसे पसीने में तरबतर हो रहा हूँ है, अब 9 बज रहे हैं, वापस भी आना है क्योंकि मुझे सुबह काम से भी जाना है। A few minutes later. तो भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत सारा इंतजार करने के बाद आखिरकार ये आ गए और हम चल दिए अपनी मंजिल की ओर। पे शादी में पहुंच चुका हूं, हमें लगभग 1 घंटा लगा है पहुंचने में, और पता है रास्ते में ना हम ना किसी फ्लाईओवर पे चढ़ गए थे जो बहुत लंबा रूट था, और हमें जाना था फ्लाईओवर के नीचे से, वो तो अच्छा हुआ कि हमें थोड़े टाइम बाद ही मतलब मैप से पता चल गया कि हम लंबा जा रहे हैं, तो हमने वहीं से यू टर्न लिया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी मतलब एकदम काफ़ी रफ्तार से आ रही थी, और फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और मैं बस अंदर जा रहा हूँ फटाफट आपको मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ एक बार। अब भाई अगर प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आती है ना तो उसको लाइक करना यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप इसको लाइक करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करना, एक से एक आपको ब्लॉग मतलब मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे ठीक है, चलते हैं अंदर। They love to hate the winner, but I'm never gonna give up. The last one left when the light. तो भाई यहाँ पे ना live performance वगैरह भी चल रही है, मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे live performance वगैरह भी होगी, लेकिन यहाँ पे live performance वगैरह भी है, आपको मैं दिखाता हूँ आप enjoy करो। Thank you.
बोलो लाइक करना वीडियो को। भाई देखो मैं पूरी मतलब पूरे वेन्यू में ढूंढ रहा हूँ मैं इन लोगों को, यहाँ पर है भाई। हाथ हिलाओ, बोलो वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से, 1000 करवा दो। हाँ जल्दी पाव भाजी भाई, पाव भाजी खा रहे हैं। इन्होंने मेरे को गाड़ी में बोल दिया था भाई, मैं तो शुरुआत वहीं से करूँगा। I'll be the last one left when the lights go out. We are in the washroom. Just see washroom. Room mein kya kar raha hai? Oye gate khol oye. Chal kar gate khol ke kar. Oye gate khol ke kar oye. In every occasion I am wearing black suit. Just tell me how I am looking in the black suit. Black suit, white shirt and brown shoes. Sir, English? Tell me in the comment section. देखा लोग ना वही बता देना, अच्छा लोग ना वही बता देना। भाई ये देखो मेरे सामने ना, यहाँ पे ना बाल, मैं आपको सामने एक बार वीडियो दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे पिंस वगैरह मिल गई है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। But I can't stop now, we all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby, I was born to fight. But don't know where to go. It's hard to see your friends, tell them adios. When you know them all for like forever, now you're just a ghost. Ain't no way to sugarcoat it, shit, I feel alone. Been single for a decade, doing me is getting old. Do what I need. Alone. Been single for a decade, doing me is getting old. I don't pick up on the phone rings, too busy recording. Industry ignores me, but I keep on going. Cause I know you got my back, I got you too. No matter what the situation, we gon' make it through. I'm a fighter, not a quitter, they can say that I'm a... When the lights go out, I'm down to one last breath, but I can't stop now, we all fall down sometimes, yeah, but that's just life, so cross my heart and hope to die, baby, I was born to fight. भाई हमने खाना वाना खा लिया है, सारा कुछ हमने इंजॉय भी कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं, और लास्ट हम यहाँ से सामने पान है तो वो खा के फिर हम गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं। और ये देखो आंचल आंचल साइड में खड़ी हो गई है, जैसे कि पता नहीं कोई इंटरव्यू लिए जा रहा है, वो शर्मा रही है। ये देखो आई तो फिर ऐसे आई है। चलो पान खाते हैं। फायर पान मेरा भैया। चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ये सब फ्लेवर है ना? सब चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, सिल्वर ग्लोरी है, मीठा है, सादा है, सब है। सिल्वर ग्लोरी जी वो मिल जाएगा जी, दो है एंड है। दे 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 नहीं मिलेगा, खत्म हो गया। ये कौन सा खिला रहे हो? ये आपको मिंट मीठा गुलकंद वाला, मीठा गुलकंद गुलकंद। अच्छा भाई मीठा गुलगुल वाला पान खा रहे हैं। ये वही पान है जो नॉर्मल हम खाते हैं, मीठा पान। ये कौन सा पान है? गुलगुल मीठा शायद, आई थिंक वही वाला जो मैंने खाया है। एक पान और ट्राई करते हैं कोई दूसरा फ्लेवर में। आपने कौन सा खाया था? मैंने वो खाया था ना बटरस्कॉच खाया था। भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ कीवी, पहली बार खा रहा हूँ, दिखने में मेरे को अच्छा लग रहा था तो मैं खा रहा हूँ।
I'll be the last one left. पता नहीं इसमें अंदर बहुत सारा कुछ है, बहुत मटेरियल है, पता नहीं क्या है। कीवी का टेस्ट तो मुझे इसमें पता ही नहीं चल रहा है, कीवी का टेस्ट है भी कि नहीं। आजकल इतना ही बोलते हैं। तो भाई इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं ख़त्म हुआ। गाइस मुझे तो ब्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आया, देखते हैं आपको कितना मज़ा आया। जितने ज़्यादा लाइक मेरी वीडियो पे आएंगे मैं समझूंगा कि उतने लोगों को पसंद आया। ठीक है भाई, अगर आपको पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, मेरा कहने का ये मतलब है। ठीक है, पसंद आया होगा भाई लाइक कर देना। और भाई अगर आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे चैनल पर ऐसे ब्लॉग मैं डालता रहता हूँ। मिलता हूँ मैं जल्दी आपसे एक और ब्लॉग में, तब तक लें गुड बाय।